फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको विश्व भारती नॉन टीचिंग वैकेंसी 2023 की सारी अपडेट्स देने वाली हूँ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA विश्व भारती की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट वैकेंसी है, तो इसके बारे में फुल डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो 17/4 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसकी 16/5/2023 है और लास्ट डेट फी पेमेंट की भी 16/5/2023 है और एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट जल्द ही आने वाला है। अब इसके एप्लीकेशन फी की बात करें तो कैटेगरी वाइज ग्रुप ए की जो कैटेगरी है उसके लिए जनरल, OBC एंड EWS के लिए 1600 एप्लीकेशन फी है और SC और ST के लिए 400 रखा गया है और फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के लिए हैं उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। और ग्रुप ए लेवल 14 की जो कैटेगरी है उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC और EWS के लिए 2000 रुपीज़ है एंड फॉर SC एंड ST 500 रुपीज़ है एंड फीमेल कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। ग्रुप बी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC और EWS के लिए 1200 है और फॉर SC एंड ST 300 एंड फीमेल कैंडिडेट नो एप्लीकेशन फ़ी। एंड ग्रुप सी कैटेगरी वालों के लिए एप्लीकेशन फ़ी 900 रखा गया है और फॉर SC एंड ST 225 रुपीज़ रखा गया है एंड फीमेल कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। और पेमेंट मोड इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI मोड से कर सकते हैं और ऑफलाइन आप ई चालान मोड से कर सकते हैं पेमेंट फ़ी। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज इसके कैंडिडेट की 32 ईयर्स होनी चाहिए फॉर ग्रुप सी पोस्ट और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए ग्रुप बी पोस्ट के लिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए ग्रुप ए पोस्ट के लिए एंड मैक्सिमम एज 50 से 57 ईयर्स फॉर ग्रुप ए लेवल 12 से लेवल 14 के लिए। और एज रिलैक्सेशन NTA विश्व भारती नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के रूल के बेस पे दिया जाएगा। अब वैकेंसी डिटेल को देखें तो टोटल पोस्ट इसमें 709 है जिसमें से ग्रुप सी लेवल 2 का जो पोस्ट है वो लोअर डिवीजन क्लर्क LCD जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है जिसके लिए 99 टोटल पोस्ट है और इनके लिए एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास और उनकी इंग्लिश टाइपिंग में 35 WPM उनका होना चाहिए। ग्रुप सी लेवल 1 पोस्ट जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS उसके लिए टोटल 405 पोस्ट है और इसके लिए एलिजिबिलिटी कैंडिडेट को 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास। और ग्रुप सी लेवल 4 पोस्ट जो है अपर डिवीजन क्लर्क UDC एंड ऑफिस असिस्टेंट उसके लिए 29 पोस्ट है और उनके लिए क्वालिफिकेशंस बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और साथ में उनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और उनकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 WPM होनी चाहिए। और ग्रुप बी लेवल 7 पोस्ट सेक्शन ऑफिसर की जो है उसके लिए 4 वैकेंसी है और इसके लिए क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। और ग्रुप बी लेवल 6 की पोस्ट है प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसके लिए 6 वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन कैंडिडेट की बैचलर होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विथ 2 or 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ग्रुप सी लेवल 5 पोस्ट सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, उनके लिए 5 वैकेंसी है और इनके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर या फिर मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ओनली फॉर बैचलर डिग्री। जिनके पास सिर्फ बैचलर डिग्री है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और ग्रुप सी लेवल 4 की पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसके लिए 1 वैकेंसी है और इसके लिए कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विथ इंग्लिश टाइपिंग 30 WPM। और ग्रुप सी की जो पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट, उसके लिए 30 पोस्ट है और क्वालिफिकेशन कैंडिडेट की 10+2 होनी चाहिए उनके पास
और साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और ग्रुप सी लेवल 4 लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसके लिए 16 पोस्ट है और इनकी क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। और ग्रुप सी लेवल 1 की पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट, तो इसके लिए 45 वैकेंसी है और कैंडिडेट को 10+2 पास होना चाहिए विद साइंस स्ट्रीम और क्लास 10th विद सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। और ग्रुप बी लेवल 7 की पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसके लिए एक पोस्ट है और इनके लिए क्वालिफिकेशंस फर्स्ट क्लास बीई बीटेक डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस। ग्रुप बी लेवल 7 की पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इसके लिए 1 पोस्ट है और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास बीई बीटेक डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस। एंड ग्रुप बी जूनियर जो पोस्ट है उसके लिए 9 वैकेंसी है और इसमें कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन बीई बीटेक डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रिलेटेड विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस। और ग्रुप बी लेवल 7 पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी या पीए की, तो इसके लिए 7 वैकेंसी है और इसके लिए कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्टेनोग्राफी में उनकी स्पीड होनी चाहिए 120 WPM और इंग्लिश टाइपिंग में 35 WPM स्पीड उनकी होनी चाहिए। ग्रुप बी लेवल 6 पर्सनल सेक्रेटरी के लिए 8 पोस्ट है और इसके लिए क्वालिफिकेशंस बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होनी चाहिए और स्टेनोग्राफी में 100 WPM है और इंग्लिश टाइपिंग में 35 WPM। ग्रुप सी लेवल 4 स्टेनोग्राफर के लिए 2 वैकेंसी है और इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए और स्टेनोग्राफी 80 WPM और इंग्लिश टाइपिंग 35 WPM। ग्रुप बी लेवल 6 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन रिलेटेड सब्जेक्ट एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास। ग्रुप सी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है जिसके लिए 17 वैकेंसी है और इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस। ग्रुप सी लेवल 5 की पोस्ट है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की, जिसके लिए 1 वैकेंसी है और कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। ग्रुप ए लेवल 12 की पोस्ट है सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिसके लिए 1 पोस्ट है और ग्रुप ए लेवल 10 सिस्टम प्रोग्रामर है और इसके लिए 3 पोस्ट है और रजिस्ट्रार की जो है पोस्ट उसके लिए 1 वैकेंसी है और इनमें इनको मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स विद 15 इयर्स एक्सपीरियंस। और ग्रुप ए लेवल 14 लाइब्रेरियन है, इसके लिए 1 पोस्ट है और क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस विद 55% मार्क्स पीएचडी डिग्री विद 10 इयर्स एक्सपीरियंस। ग्रुप ए लेवल 12 डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट है जिसके लिए 1 वैकेंसी है और इसके लिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस। ग्रुप ए लेवल 12 इंटरनल ऑडिट ऑफिसर डिप्टेशन, इसके लिए 1 वैकेंसी है और ग्रुप ए लेवल 10 असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 6 वैकेंसी है और इसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स पीएचडी सीएसआईआर और यूजीसी नेट सर्टिफिकेट उनके पास होनी चाहिए। ग्रुप ए लेवल 10 असिस्टेंट रजिस्ट्रार है जिसके लिए 2 वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन इनकी मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स होनी चाहिए। सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन बीई बीटेक होना चाहिए उनके पास कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और 9 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास या फिर MSc कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए MCA या फिर MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद 55% मार्क्स एंड 8 ईयर का एक्सपीरियंस। और सिस्टम प्रोग्रामर के लिए बीई या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट और 5 ईयर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज में जैसे C++ जावा इन सारी चीजों में या फिर MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग MSc
कंप्यूटर साइंस या फिर MCA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और 3 इयर्स प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए C++, जावा ऐसे कुछ में, और कैंडिडेट इस पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाके, ये इसका वेबसाइट है, इस पे जाके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो और भी जॉब अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।